Morning students, today we learn science chapter number 2, parts of a plant. Plant तो आप सबने ही देखा है ना, तो plants में क्या दिखता है आपको? सबसे पहले आप नजर किस पे पड़ती है आपकी? Leaves पर पड़ती है ना, leaves. और आप fruits देख लेते हो, स्टेम दिख जाती है आपको, बर्ड्स दिख जाती है, फ्लावर्स दिख जाते हैं, लेकिन एक पार्ट ऐसा होता है जो कि हमें दिखाई नहीं देता है. अब यहां प्लांट की पिक्चर देखिए, प्लांट दिख रहा है ना आपको? चलिए अब ये जो अंडर पार्ट दिख रहा है हमें यहां पर, देखिए ये ब्राउन ब्राउन कलर का दिख रहा है आपको, तो ये पार्ट जो है वो क्या है? इस पार्ट को हम कहते हैं रूट. क्या कहते हैं इसे? रूट कहते हैं. ये दिखाई दे रहा है आपको, रूट कहते हैं इसको, क्योंकि ये जमीन के नीचे होता है. सबसे पहले अब हम मालूम कर लेंगे, दो पार्ट यहाँ दिखाई दे रहे हैं, एक जमीन के नीचे, एक जमीन के ऊपर, यानी अबव द ग्राउंड एंड बिलो द ग्राउंड. सबसे पहले पार्ट्स ऑफ ए प्लांट. अ प्लांट कैन बी डिवाइडेड इंटू टू मेन पार्ट्स. फर्स्ट है रूट एंड सेकेंड इज शूट. क्लियर? चलिए रूट्स पे आ जाते हैं हम. सबसे पहले द पार्ट ऑफ द That grows below the ground, known as the root. Second portion है, the root anchors the plant to the soil and absorb water and minerals. अब देखिए जो roots होती है plants को मजबूती प्रदान करती है, उसको strength प्रदान करती है जमीन में खड़े रहने की, ठीक है. और there are टू टाइप्स ऑफ रूट्स. अब रूट्स भी टू टाइप की होती है. फर्स्ट है टैप रूट्स, सेकेंड है फाइबरस रूट. अब फाइबरस रूट और टैप रूट्स कहाँ कहाँ पाई जाती है? फर्स्ट हम टैप रूट के बारे में जानेंगे. टैप रूट क्या होती है? सम प्लांट्स सच एज मैंगो, रेडिश एंड कैरेट एक्सेट्रा हैव वन मेन रूट. एक मुख्य जड़ होती है ग्रोइंग स्ट्रेट डाउनवर्ड फ्रॉम द स्टेम इन टू द सॉइल, जो स्टेम से जुड़ी हुई होती है और नीचे की ओर ग्रोथ करती है. दिस मेन रूट इज कॉल्ड द प्राइमरी रूट. इसको प्राथमिक जड़ भी कहा जाता है, प्राइमरी रूट भी कहा जाता है. अब यहां देखिए रेडिश आपको दिखाई दे रहा है, रेडिश, टर्निप एंड कैरेट, ये सब रूट्स हैं. अब आप देखेंगे, आप तो समझते हैं तो फ्रूट की तरह खाते हैं हमने, पर ये जमीन के नीचे उगते हैं, इनको रूट कहा जाता है. मेन रूट आपको दिखाई दे रही है, ये मेन रूट है और वो ग्रोस कर रही है जमीन के नीचे की ओर. फाइबरस रूट. अब फाइबरस रूट किस में पाई जाती है? प्लांट सच एज ग्रास, कोकोनट एंड आनियन हैव सेवरल टाइनी रूट्स ग्रोइंग फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम. जब स्टेम का एंड होता है, जहाँ से हमारी रूट स्टार्ट हो रही है, वहाँ से छोटी 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 जड़ें निकलना शुरू हो जाती है, उन्हें हम बोलते हैं फाइब्रस रूट. इसमें आप देख रहे हैं फाइब्रस रूट कहाँ पाई जाती, किस किस पौधों में पाई जाती है? ग्रास में, आनियन में, कोकोनट में, इन सब में. घास को जब आप उखाल के देखते हैं नीचे, तो बारीक बारीक जड़ें होती है उसमें, होती है ना, तो हम फाइबरस रूट बोलते हैं उन्हें. सम वीड्स. अब आप सोचेंगे वीड्स क्या चीज होती है, तो वीड्स होता है, सम वीड्स हैव अ फाइबरस रूट, फाइबरस रूट सिस्टम. वीड्स वो होते हैं ऐसे पौधे जो अनचाहे होते हैं, जिन्हें हम उगाते नहीं है और अपने आप उग जाते हैं, उन्हें हम वीड्स बोलते हैं. दिस मेक इट वेरी हार्ड टू पुल दैम. अब उनको खींच के उखाड़ने जाते हैं, उनको जमीन से निकालने जाते हैं, बहुत हार्ड होता है वो, उनको खींचना ईजी नहीं होता है, आउट ऑफ द ग्राउंड, तो उसको बोलते हैं हम वीड्स, ठीक है. अब आ जाइए हम स्टेम पर आ जाते हैं. स्टेम क्या होती है? जहाँ से हमारे फ्लावर्स, लीव्स, ये सब ग्रो करती हैं. फर्स्ट है द स्टेम इज द स्टेम इज द मेन पार्ट ऑफ द शूट. अब शूट पे सबसे मेन पार्ट कौन सा होता है? स्टेम, क्योंकि उसी पर सारी चीज़ें उगती है, लीव उगती है, उसके बाद फ्रूट्स लगते हैं, बर्ड्स लगती हैं, ये सारी चीज़ें हमें शूट पर दिखाई देती हैं. नंबर टू, विच बियर्स. बियर्स करना मतलब उत्पन्न करना. एक बियर का मतलब होता है भालू, लेकिन यहाँ हमारा भालू से मतलब नहीं है, हम बियर्स का मतलब होता है उत्पन्न करना, यानी उस पर ग्रोथ होती किसकी? ब्रांचेस की, लीव्स की, बर्ड्स की और फ्लावर्स की. ये सारी चीज़ें कहाँ होती है? शूट पर. क्लियर? नेक्स्ट,
अब यहाँ एक ट्री दिख रहा है आपको। अब ट्री की जो जो ट्रंक होती है, स्टेम होती है, उसको हम स्टेम नहीं बोल सकते हैं, उसको हम ट्रंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रंक बोलते हैं, ट्री ट्रंक, ट्री ट्रंक। मोटा तना होता है ना उसका, पेड़ का तना कितना मोटा होता है, तो उसे हम ट्री ट्रंक बोलते हैं। उसकी जड़ें जो होती है वो भी बहुत मोटी होती है, क्योंकि इतने बड़े पेड़ को संभाल के रखने के लिए स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए होती है। तो ट्री का जो तना होता है वो हार्ड भी होता है और स्ट्रांग भी होता है। थर्ड पॉइंट है हमारा, द स्टेम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द रूट्स टू ऑल पार्ट्स। अब देखते हैं आप कि नीचे टैंक है, उससे आप अगर पाइप लगाते हैं, ऊपर टंकी भरनी है आपको, है ना, पाइप से नीचे मोटर चालू कर देते हैं, ऊपर टंकी भर जाती है, फिर टंकी में जो पानी भर जाता है वो सारे पार्ट्स जहाँ आपके वॉश बेसन है, बाथरूम है, जहाँ भी नल आपको यूज़ करना होता है, उन नलों में से पानी आना शुरू हो जाता होता है ना। तो सेम थिंग होती है प्लांट में भी, तो सारा प्लांट जो नीचे से एब्जॉर्ब करता है वाटर और मिनरल्स, सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह, वो सारे प्लांट के ऊपर टिप तक, जहाँ तक लीव्स हैं, सारे पार्ट में वो सब चीज़ें पहुँचाता है। फिर जो लीव्स हैं खाना बनाती हैं और सारे पार्ट में फिर वो वापस से डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं, और जो एक्स्ट्रा फूड बच जाता है उसको स्टोर कर देती है रूट में, लीफ में, फ्रूट में, इनमें सब में इकट्ठा हो जाता है। फोर, इट ऑल्सो कैरीज फूड मेड बाय द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और जो भी अदर पार्ट जो होते हैं प्लांट के, उसमें सारा फूड जो है मैंने जैसे बताया अभी आपको, वो पहुंचा देते हैं। सम प्लांट्स हैव स्ट्रॉन्ग स्टेम, कुछ पे मजबूत तना होता है, जैसे भी ट्री दिखाया ना मैंने आपको, उनका तना कैसा होता है, मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, लाइक ट्रीज। सम हैव वीक स्टेम्स, कुछ की बहुत कमज़ोर जो होती है तना होता है, जैसे कि हर्ब्स होती हैं, छोटे छोटे धनिया का, पुदीने का पत्ते देखते हैं आप ना, उसकी डंडी कितनी सॉफ्ट होती है एकदम। और क्लाइंबर्स जैसे मनी प्लांट होता है, ग्रेप वाइन होते हैं, इनकी सब की जितनी भी बेल के जो प्लांट होते हैं वो सारे होते हैं क्लाइंबर्स, उनकी जो स्टेम होती है बहुत सॉफ्ट होती है। ठीक है, यहाँ देखिए आप, ये दिखाया हमने आपको मनी प्लांट। मनी प्लांट की कैसे दिख रही है आपको, बहुत ही कि उसको सहारे की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि उसके पास थी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो खुद अपने आप खड़ा रह सके। तो किसी भी पौधे का या किसी दूसरे पेड़ का, किसी डंडे का सहारा लेकर वो ऊपर की ओर बढ़ते हैं। तो ये होते हैं हमारे क्लाइंबर्स, जो वीक स्टेम वाले होते हैं। नेक्स्ट, तो ये हमारा टॉपिक यहाँ कंप्लीट हो गया। तो अब नेक्स्ट पार्ट में हम उसके बारे में, लीव्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये स्टेम वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। ओके, गुड डे।